वेलकम फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि कोर्ट में छुट्टी होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को कहां पर पेश किया जाए। जब भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कॉग्निजेबल या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर गिरफ्तार किया जाता है। बिना वारंट भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय और गैर जमानती अपराधों में पुलिस बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना मैंडेटरी है। ये हमारी 57 CRPC कहती है। 151 CRPC शांति भंग करना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकती है। अगर हॉलीडे है तो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के घर में, अगर जो थाने के साथ है मैजिस्ट्रेट वो छुट्टी पर है तो उसी जिले के दूसरे मैजिस्ट्रेट के घर में पेश किया जाएगा, परंतु पेश करना मैंडेटरी है। SDM के पास पावर है कि 151 CRPC के अंदर बेल ग्रांट करने की। छुट्टी है तो SDM के घर पर, अगर SDM छुट्टी पर है तो तहसीलदार के घर पर, या फिर दोनों ही नहीं है तो लोकल मैजिस्ट्रेट के घर पर, कहीं ना कहीं तो पेश करना ही है 24 घंटे के अंदर। 151 CRPC में बेल उसी टाइम हो जाती है। 167 CRPC में पुलिस एक्यूज्ड अपनी कस्टडी में ले लेती है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप हमेशा ऑन रखिए, ताकि जब कभी भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उससे अपडेट होते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।